आप लोग सुन लीजिए, आप जब भी बनारस आइए इनके यहाँ आके जरूर खाइएगा। लहसुन प्याज का यहाँ सब मिलता है। वर्ष जानता है इसका नाम, हमारा नाम आता है। कौन नाम से है? राजेश राजू विश्वास। अच्छा, राजेश राजू विश्वास। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें भी आता है यही नाम, राजू राजेश विश्वास है। अगर आपको बनारस घूमना है आगे, ये विश्वास गली का जो मेन गेट है ना, वहीं पे है इनका दुकान, यहीं मिलेंगे आपको। देख लिए ना आप लोग, बनारस घुमा देंगे। अरे यार भैया जी आए तो हम लोग देखे, आओ इधर। यहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है, वो भी खाने का मन कर रहा है, जो कि हालांकि सभी नहीं हम लोग खाए हैं खिचड़ी। सुबह का बनारस, सुबह बनारस शाम। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए जब तक भैया आएंगे तो आपको बातें कर लें, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को खरीदारी भी करना है, क्योंकि शादी भी है। चलिए, बहुत आवाज़ आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोग बैक कैमरा देखें। तो बस फ्रेंड, अब बनारस की गलियों में हम लोग घुसते हुए निकल रहे, क्योंकि बनारस तो गलियों से ही फेमस है। यहाँ पे ये बाबा की नगरी काशी है। तो बस चलिए, आप लोग भी हमारे साथ हो। मेरी देवरानी फर्स्ट टाइम आई है, दर्शन करने जा रही है, और मेरे भैया भी आए हैं, देवर जी आए हैं। तो चलिए, देवर देवरानी के साथ आज हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने। जब से ये नया ललिता घाट बना है ना, ललिता घाट से मतलब कॉरिडोर जब से हुआ है, तब से मैं नहीं गई हूँ, 2-2.5 साल हो गया है। मतलब जाती हूँ मैं, मतलब सामने से जो चौक साइड से उधर से घुसती, पर ये बैक साइड से पहली बार जा रही हूँ। तो चलिए, देवरानी जेठानी निकल गए हैं बनारस की गलियों में भोले बाबा का दर्शन करने। तो ये देखिए, यही है जो ललिता घाट के साइड से आप चलोगे ना, तो यहाँ पे है कॉरिडोर जो नया वाला बना है, भारत माता आश्रम, भारत जो भारत माता का मंदिर, यहाँ मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ बहुत, मतलब इतना अच्छा यहाँ लग रहा था, दोस्तों की मैं क्या ही आप लोग को बताया, मैं फर्स्ट खुद यहाँ आके देख रही, सोचो मैं यहीं रहती, भैया नहीं आती, दर्शन में होता नहीं, पास में रहो तो चीज़ें नहीं हो पाती है, दूर के लोग आके दर्शन करके चले जाते हैं। तो जब से ये कॉरिडोर बना है, अक्सर सब लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो देखिए, बैठने के लिए व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, हर एक चीज़ है, और मोबाइल भी अब आजकल अलाउ हो गया, इतना दूर तक मेन मंदिर में नहीं पर हाँ कुछ दूर तक मोबाइल अलाउ। तो बस फ्रेंड, हम लोग पहुँच गए हैं, अब जा रहे दर्शन करने। पता है जब से बना, मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, 2 साल हो गया है, खुद फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब आते हैं उधर से, इधर जो घाट है इधर साइड फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, शाम को ना और अच्छा लगता है जब लाइटें जगमग जलती है। तो चलिए, जो ले जाएंगे हमें, मतलब जो देवर जी हैं आएंगे ले, जो वहाँ पूजा कराते हैं, आओ इधर टहलते हैं, चलेंगे। इधर इतनी शांति है क्या ही बताएं, उधर साइड बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए आप लोग, सुंदर लग रहा है। तो बस हम के जब तक मोबाइल लॉकर में नहीं रखा रहा है, तब तक हम लोग पूरा वीडियो कैप्चर कर ले, क्योंकि पूजा करने बाद थक जाएंगे, सही बहुत थक गए थे हम लोग। यहाँ पे 12-1 बजे आए थे, और हम लोग यहाँ से 4 बजे गए थे, क्योंकि मंदिर का श्रृंगार होने वाला था, तो रोक दिया गया था 1/2 घंटा। फिर उसके बाद हम लोग पूरा श्रृंगार देखते हैं जो होता है, पूजा पाठ, फिर घूमते हैं, फोटो वगैरह अभी आप लोग को दिखा दूँगी। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे आकर पहली बार, मतलब श्रृंगार में देखी भोले बाबा का, नहीं तो मैं कभी नहीं सिर्फ दर्शन करके चली जाती। हम लोग
का दर्शन हो गया, बाबा विश्वनाथ जी का मतलब उनका श्रृंगार हो रहा था, हम लोग वहाँ पूरा एक घंटा बैठे श्रृंगार देखे, तैयारी किए, मतलब फर्स्ट टाइम में देखी हूँ। देखिए जो वहाँ के पंडित जी हैं, मेरी जिया जी मतलब मेरे नंदोल जी, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा पहना के टीका वो लगा दिया, तो हो गया। अभी हम लोग घर जा रहे हैं कुछ खा पी ले, चलो। पता है वहाँ पे बैठे थे इतना सब बाहर से जो जल चढ़ाते पूरा मेरे ऊपर आ गया, पूरा भिंडी के साथ मेरा भी अभिषेक हो गया है। चलिए बैठ कैमरा दीजिए, ठंडी तो लग रही, पूरा भीग गया। तो जो यहाँ नहीं आया है तो देख लीजिए, जो गोल्ड में दिख रहा है ना बाहर से, वो मेन है, वहीं पे भोले बाबा का है मंदिर। ये बाहर एरिया है पूरा, इतना हवा बह रहा था कि क्या ही मैं आप लोग को बताऊं, पर हाँ बहुत खूबसूरत जगह, बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी ज़्यादा गर्मी में तो हमको लग रहा है जलेगा भी पैर, और क्योंकि पूरा पत्थर का ही बना है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ तो भयंकर थी, पर हाँ हम लोग के भीड़ नहीं लगाना, क्योंकि हमारे सारे ससुराल के जितने लोग हैं सब यहाँ पुजारी हैं विश्वनाथ जी के, तो हम लोग को तो चले गए थे, करके आए हैं। बाकी जो लाइन में खड़े हैं बहुत दिक्कत होती है, मेरे जीजा जी ससुर जी देवर बहुत से लोग हैं यहीं पर, सब भरे पड़े हैं विश्वनाथ जी की पूजा, तो हो गया, बाद में बताऊँगा सब चीज़ें। तो चलिए इसके बाद हम लोग घूमते हुए घाट घाट हम लोग घर जाएँगे, क्योंकि अपनी देवरानी को दिखाना है ना अब पूरा, जैसे गंगा जो पता है घाट घाट से जाने में ज़्यादा ईजी पड़ा, जल्दी पहुँच गए हम लोग, नहीं तो गली गली में बहुत टाइम लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं। इसके बगल में ना मणिकर्णिका घाट है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, कैप्चर करूंगी, क्योंकि बहुत थक गए थे, भूख इतनी भयंकर लगी थी क्या, क्योंकि हम लोग खाली पेट ही आए थे, कुछ नहीं खाए थे, और सुबह से निकले थे 9 बजे आए थे यहाँ पे 12 बजे तक, 11 बजे, तो अभी 4 बज रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं 4 बजे। तो हो गया, घूमते हुए चलेंगे, पर होता नहीं कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो भूख प्यास सब बंद हो जाता है। देखिए मेरी देवरानी टोमक टोम जा रही थी, और देवरानी मेरी अभी देख रही, हंसी आ रही मुझे। चलिए फूड टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे वह है व्यवस्थाएँ। सामने घाट देखिए, इसके बगल में मणिकर्णिका घाट आप लोग को दिखेगा। देखिए आप लोग को मैं घर बैठे बैठे दर्शन करा रही हूँ ना, इतना ही आप लोग देख लिए यही बहुत है। बाबा की नगरी काशी का भी नाम ले लो, पवित्र हो जाओगे आप लोग। तो चलिए किसी दिन बोटिंग वगैरह होगा आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियो को, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी हम लोग लता घाट जाएंगे, वहाँ पर मेरा शादी से पहले का मन्नत है, वो आज देवरानी के साथ पूजा उसको भी, मतलब मेरे देवरानी के साथ मेरा पूरा हो जाएगा आज मन्नत मेरा, आ ही होता नहीं, निकलना ही नहीं होता यार, कोई साथ हो तो हो।
बस फ्रेंड हम लोगों ने इतने भूखे थे कि समोसा खाए जाके फिर बड़ी सासू माँ के घर पे थे रुके हम लोग। अभी शाम का टाइम हो गया है तो अभी हम अपने देवरानी को गंगा आरती भी दिखाने लाए हैं। ये देखिए ये दशाश्वमेध घाट की जो माता की रोज आरती होती है गंगा आरती, तो ये देख लीजिए आप लोग। अभी मैंने मुंडन का वीडियो शेयर किया उसमें देखिए कितना खाली था दोपहर में ना, पर शाम में इतना भीड़ रहता है कि आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ। तो बस हो गया, कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो आप लोग को, मैंने भोले बाबा का मंदिर भी दिखाया, माँ की आरती भी दिखाई। अपना सपोर्ट रात हो गया, 8 बज रहा है, फिर गंगा आरती देख के अब जा रहे हैं अपनी देवरानी जी को खिलाने बनारस के चाट ब्लॉक पे। 4 दिन से आइए कुछ नहीं खाइए, तो पैर दुखने लगा भैया। हाँ आओ का करो। आजकल दुनिया जिसी में जी रही है कि नहीं। चलो भैया फोटो, बस फोटो। ये जो बंद चोरी हाँ आया है, चलिए मम्मी जी के लिए चूड़ी लेना है। तो फ्रेंड बहुत घूम रहे हैं हम 4-5 दिन से, शीतला घाट पे हैं। चलिए कुछ शॉपिंग कर ले, कल हल्दी है उसके लिए कुछ सामान ले।